वेलकम बैक टू डिंपल्स किचन। तो डिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि हमेशा मैं खाना बनाती हूँ और आज ये सब लोग मिलके मेरे लिए खाना बनाएंगे। अलग नहीं, सब अलग अलग बनाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ आप क्या बनाते हो। सारी बात छोड़ो, पापा सोच रहा हूँ क्या बनाते हैं। देखते हैं, कुछ तो बनाएंगे ही ना। और जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो क्या करेंगे? कुछ तो बनाएंगे। तो मेरे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाती हूँ। आपको पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ? मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी दम आलू। तो मैं सिर्फ आपके लिए स्पेशली बनाने वाली हूँ। इतनी मेहनत करके कश्मीरी दम आलू की रेसिपी अब आपको दिखाते हैं। सो स्वीट। स्टार फर्स्ट टाइम मेरे लिए कुछ बना रही है, तो देखते हैं। एक बार मैं छोले भी बनाए तो चलो अभी आपको दिखाते हैं कश्मीरी दम आलू कैसे बनते हैं। आप बताना कैसे अच्छे लगते हैं आपको। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया आलू, जिन्हें मैं बड़े बड़े पीसेस में काटने वाली हूँ। कम से कम ही तो मैं लेने वाली हूँ 3 to 4 पोटैटोज, जिन्हें मैं कट करने वाली हूँ बड़े बड़े पीसेस में। तो गाइस, मम्मी की तरह परफेक्ट तो नहीं, बट मैंने यहाँ पे ले लिए बड़े बड़े आलू के चंक्स। छोटे छोटे प्याज काट लिए, 2 प्याज, और मैंने ऑलरेडी टोमेटो की प्योरी बना ली है यहाँ पे। इस टोमेटो की प्योरी मैंने बनाई है 2 टमाटर से, और थोड़े से मेरे पास टमाटर हैं कटे हुए, मैंने अलग से रख लिए हैं। अब मैं एक पैन में ऑयल हीट करने वाली हूँ, और ऑयल के अंदर मैंने आलू को फ्राई करना है। उसके बाद जब आलू फ्राई हो जाएंगे, साइड बाय साइड में तरी बना लूंगी। अब यहाँ पे मैंने ऑयल हीट होने रख दिया है। तो गाइस, ऑयल हीट अप हो गया है। इसके अंदर अब मैं डालने वाली हूँ अपने कटे हुए आलू। बहुत ही केयरफुली हम इसमें आलू रखेंगे। तो यहाँ पे आलू होने लग गए हैं फ्राई। इसको हमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। सो गाइस, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, एंड अब मैं बनाने वाली हूँ करी, एंड इनको मिक्स करने वाली हूँ उस करी के अंदर। तो आपको दिखाते हैं करी का प्रोसीजर क्या है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे पैन लिया और पैन के अंदर डाला 2 tablespoons ऑयल। अभी जब तक गर्म हो रहा है, मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा। यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लौंग, थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें दालचीनी। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ प्याज। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। तो गाइस, जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएंगे, हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, और हम डालेंगे इसके अंदर सौंफ। वैसे हमें पिसी हुई सौंफ डालनी है, बट आज मेरे पास पिसी हुई सौंफ है नहीं। तो जैसे प्याज अच्छे से भून जाएंगे, हम इसमें डालेंगे दही। दही हम लगा लो ऑलमोस्ट 150 grams दही डालेंगे, अगर हम 3 से 4 आलू बना रहे हैं तो। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे प्याज और दही को। वाओ मॉम, आप देखने आए हो मेरी स्पेशल रेसिपी। तो अब हम 3 से 4 मिनट तक इसे पकाने वाले हैं। इसे घुमाते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, स्टर करना है 2 to 3 मिनट, और जैसे ही आपको लगे एकदम सही कंसिस्टेंसी आ गया, हम इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। मैंने 2 tomatoes की टोमेटो प्यूरी बनाई थी। बहुत ही एक प्यारा सा ऑरेंज कलर आ जाएगा आपकी ग्रेवी का। और इसे अब हम फिर से 5 से 7 मिनट्स तक अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे नमक और देखी मिर्च का तड़का लगाएंगे इसके अंदर। अपने मिर्च उतनी डालनी है जितनी आप लोग खा सकते हो। मैं तो ज्यादा मिर्च खाने वालों में से हूँ। तो कश्मीरी आलू की स्पेशलिटी ये है कि उसमें जो मिर्च डलती है उससे उसका टेस्ट आता है। आज मैं बिल्कुल शेफ वाली बातें कर रही हूँ, वैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खा सकते हैं। एंड फाइनली हम इसमें मिक्स कर देंगे अपने आलू, और अच्छे से मिक्स करके इसे 20 मिनट्स तक पकाना है। और फिर 20 मिनट्स बाद तैयार हो जाएंगे आपके कश्मीरी दम आलू। सो गाइस, ये प्रिपेयर हो गए मेरे कश्मीरी दम आलू। आप स्मेल करके फ्रेग्रेंस देखना चाहोगे, बहुत बढ़िया। हाँ, काफी अच्छी आ रही है ना। सौंफ डाली है ना इसमें। हाँ, बहुत अच्छी, सारे अच्छे हर्ब्स डाले हैं। बहुत हेल्दी और अच्छी रेसिपी है। बहुत बढ़िया, अच्छी बनी, अच्छी बनी। सीरियसली देखना चाहूंगा पास से। 10 out of 10 Oh my God, मैं मरी क्यों नहीं जाती। जो साल में एक बार खाना बनाता है बढ़िया ही बनाता है। अब आएंगे हर्ष, देखते हैं हर्ष ने क्या बनाना है। मुझे मालूम है हर्ष को कुकिंग आती है, लेकिन आज फिर भी हम देख रहे हैं हर्ष के कुकिंग स्किल्स। तो ये है हर्ष। हेलो गाइस, आप क्या बनाने वाले हो?
गाइस बहुत टाइम से मैं चाह रहा था ये किचन को हाईजैक करना, मुझे मौका मिल गया और आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन डिंपल्स किचन। तो मैं बहुत सिंपल रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। आई थिंक आपके व्यूअर्स बहुत बच्चे हैं, है ना, तो बच्चों को जो बहुत चीज पसंद आती है मैं वो बनाने जा रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ पिज्जा। वाह, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बना सकता है, इसलिए मैंने बनाने की सोच ली। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हर्ष के कुकिंग स्किल्स। तो गाइस मैंने चॉप कर लिए सारी वेजीज, ठीक है, और पिज्जा बेस हमने घर पे बनाना था बट हम ऑलरेडी मार्केट से ले आए, तो हमारा काम आसान हो गया। तो बनाते हैं, अब हम बना रहे हैं डिफरेंट टाइप का पिज्जा। हम बना रहे हैं पिज्जा को पैन में, मतलब ओवन में, माइक्रोवेव में नहीं बना रहे। हाँ, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पैन में कुछ बनाए, अलग खराब भी बन सकता है, तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, खाना तो पड़ेगा ही, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। अगर हम इसको बना रहे हैं पैन में, तो हमने पैन को पहले ग्रीस कर लिया हल्के से ऑयल से। तो हम पहले इस पे हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट सा ब्रशिंग कर रहे हैं ऑयल की। पिज्जा सॉस लगाएंगे जो की बहुत जल्दी से लग जाएंगे। हमारे पास गाइस लगा देंगे हमें एक चीज की लेयर, जिसको हम एक्स्ट्रा लोडेड चीज पिज्जा बनाएंगे, चीज बर्स्ट एकदम, हल्का सा ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं ताकि नीचे भी थोड़ा सा फ्लेवर रहे, सॉल्ट भी डाल सकते हैं। गाइस जो मैंने वेजी स्टार्टिंग में सारे इस पे डालूंगा, इसको सजा देते हैं, इसकी ना ड्रेसिंग करते हैं अच्छे वाले। कैप्सिकम, ब्रोकली भी काटी हमने, लगाएंगे एक एक पीस ब्रोकली का। बहुत ही हेल्दी पिज्जा बनने वाला है, बस बन जाए ऐसा ना हो कुछ और बन के आए। इसमें डाल देंगे खूब सारे कॉर्न्स जो सबको पसंद आते हैं बहुत ज्यादा, नमक भी थोड़ा सा वेजीज पे हम डाल रहे हैं, इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसको हम फिर ओवरलोड कर देंगे चीज से, ये थोड़ा ज्यादा हेल्दी के आगे वाला लेयर हो जाएगा। ये ना उसको पसंद आएगा अभिषेक को, क्योंकि तो इसके लिए बना रहा हूँ। मैं घर पे आया और उसने कहा जीजू क्या बना रहे हो क्या बना रहे हो, तो उसके लिए ये बन रहा है ओवरलोडेड पिज्जा। वो करता है ना कंपैरिजन, ₹100 का पिज्जा और इसका पिज्जा। ओह नाउ यू कैन सी, ये ऐसा पिज्जा बनने वाला है, ठीक है, चीजी पिज्जा, चीजी एकदम, पर वेजीज भी बहुत सारे डाले हैं। मेन पार्ट है इसको कवर करके सेकते हैं ताकि सारा चीज मेल्ट हो जाए लो फ्लेम पे। गाइस 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसमें ऑर्गेनो फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और ऑलमोस्ट पिज्जा रेडी है। आप देख सकते हो कितना टेम्पटिंग लग रहा है इस टाइम, ये कितना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, करके आवाज आ रही है, तो मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, खाने का मन कर रहा है। तो चलो इसको पैन से निकालते हैं और इसको कट करते हैं और फिर सबको खिलाते हैं। गाइस हम निकाल रहे हैं पैन से पिज्जा, इस बोर्ड पे निकाल रहा हूँ, इस पर हम कट करते हैं, फिर आगे सबको सर्व करते हैं। गाइस मैंने पिज्जा उतार दिया पैन से, इस बोर्ड पे रख दिया, अब मैं इसे पीसेस करने वाला हूँ और फिर सबको खिलाते हैं। थोड़ा बुरा सा पिज्जा टेस्ट करिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मुझे पता है हर्ष को तो बहुत अच्छी कुकिंग आती है, शायद मेरे से भी ज्यादा अच्छी कुकिंग आती है। अभिषेक की आ रहे हैं, अभिषेक मलन सबसे बड़े खाने के शौकीन। अब देखते हैं खाने के शौकीन बनाने क्या वाले हैं हमारे लिए।
हेलो तो क्या बनाने वाला आज? आज चैलेंज करेंगे तो बताओ। आज चैलेंज ये है कि सब कुछ खुद बनाना है। मैंने कुछ नहीं बनाना, हमेशा मैं बनाती हूँ। आप भी कुछ बनाना तो आप हेल्प तो करोगे ना मेरी? हेल्प तो चलो किचन में खड़ी मैं बता सकती हूँ कि कौन सा सामान बनाते हैं। मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता, मैगी भी मुश्किल से बना लेता हूँ। बट आज मैंने चैलेंज लिया है तो मैं बनाने वाला हूँ बर्गर। Oh my God, burger! देखो हम काम करते हैं दिमाग से। Perfection. बर्गर में टिक्की में और बन में भाग से लिया। अब मेन जो काम होने वाला है वो होने वाला है कि प्याज इसमें काट के लगाना कैसे है और इसमें केचप कौन सी लगानी है, बस वही थोड़ा मेन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरी मैकेन की आलू टिक्की और ये है मेरे बन। तो कुछ नहीं करने का, आप सबको मेरे से प्रैक्टिस लो। कुकिंग टिप्स। ये एक टिक्की गई, एक ही टिक्की तो लगेगी एक पन में, ठीक है? एक ही बनाएगा तो एक आप खा लेना। मैं इतना ज्यादा खाता नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वेरी डाइट कॉन्शियस, मैं सिर्फ 24 घंटे वाली चीजें। तभी तो करना कुछ नहीं है, एयर फ्रायर लगाना है और इसको ऑन कर देना है। और बन, बन को गर्म, बन भी गर्म करना है ऑब्वियसली। और मेरे को थोड़ा ठंडे में खाते हैं तो बन तो एयर फ्रायर होंगे, गैस पे होंगे। बन तो गैस पे होंगे तभी पे। दैट इज वेरी टफ। ओके तो स्पेशल इंग्रेडिएंट इसका है टोमेटो सॉस। बन गरम करना नहीं आता यार, वेरी टफ है वो तो। मैंने जो लेटस मंगवाई है, लेटस लगाना, ये इसके अंदर प्याज लगाना, उसके ऊपर सॉस सॉस लगाना। तो फुकरा फैमिली डिम्पल्स किचन पे जो जो देख रहा है, ये बर्गर बनाया है मैंने, ये स्पेशल बर्गर है। इसके अंदर मैंने केचप डाली है, लेटस डाली है, टिक्की डाली है, प्याज डाला है और केचप डाली है और बर्गर का बन गरम करा। फाइनली वी डिड इट मम्मी,
एक टेस्ट तो बनता है। अब मम्मी मेरे को बताएंगे इधर आके कैसा बना है। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ झूठ नहीं। नहीं बहुत अच्छा। सही बताओ। सही है। फिर जिसने कभी कुछ नहीं करा उसने आज मेरे लिए बर्गर बनाया। I feel so proud. मुझे नहीं लगता। ये तो पराठी बन गई की जगह चपाती बन गई है। तो किचन में कितने पेशेंस से काम करना पड़ता है। तवा गरम किया था और रोटी डाल दी। रोटी पक्की ही खिलाऊंगा, कच्ची नहीं खिलाता। ओके। रूप दिख रहा है गुलकारी हल्दी और चंदन से। वाह वाह वाह, अभी शुरू हो गई है। रोटी का भी रूप दिख रहा है क्योंकि ये मिस्टर विनय मल्लम ने बनाई है ना, फर्स्ट टाइम पे जिंदगी में। रोटी तो शायद मैंने एक दो बार पहले भी बनाई है आई थिंक सो, जब मेरे को फीवर था। लो जी भाई लोगों को देख लो मैंने चपाती बना दी है। माता जी खाइए, माता जी खाइए। किसकी माता जी? बच्चों की माता जी। या बच्चों की माता जी, तो रोटी अकेली थोड़ी खाऊंगी मैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है पति देव। तो फाइनली अब बारी है निश्चय की, ये आ गया है, अब देखते हैं कि क्या बनाता है ये मेरे लिए। वाह क्या इंटरव्यू। पहले मेरे को ये बताओ कि बाकियों ने क्या क्या बनाया है। सभी यही पूछ रहे हैं कि किसने क्या बनाया है। अरे बताओ तो सही, अभिषेक ने क्या बनाया? अभिषेक ने बनाया बर्गर। और प्रेरणा ने? प्रेरणा ने बनाए कश्मीरी आलू। और जीजू ने? पिज्जा। अब देखो बर्गर
इजी, दो बन लिए, बीच में कुछ लगाया, ये बन गया बर्गर, रेडीमेड पिज्जा, कुछ रखा उसके ऊपर, ओवन में डाला, रेडी हो गया। आलू भी चॉप काटे, उसपे नमक वगैरह छिड़का, ये जो भी होता है हो गया, बन गया। आलू बन गए। ये तो इजी चीज है, ये डिंपल्स किचन है, यहाँ पे खाना बनाना सिखाया जाता है। तो अब हम गाइस आपको बनाना सिखाएंगे इस दुनिया की सबसे सबसे फेवरेट डिश, राजमा। राजमा ये हमारे कुकिंग स्किल्स दिखाने वाले हैं एक्चुअली। इवन तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि राजमा कैसे बनते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से अंदाजा लगाने वाला हूँ कि हाँ ऐसे ही बनते होंगे। तो ओके आइए राजमा बनाना शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑब्वियसली राजमा, और फिर यहाँ पर देखिए ये हमने लिया है यहाँ पे ये टमाटर सॉरी और ये प्याज, और दोनों अभी ये छिले नहीं हुए, और यहाँ पर ये टमाटर और प्याज हमारे मैजिकली कट गए हैं। अब बहुत सिंपल है राजमा बनाना, क्या करते हैं ये हम एक कढ़ाई है, इस कढ़ाई में राजमा डालेंगे और फिर प्याज और टमाटर डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और फिर गैस तो ऑन ही नहीं करेंगे, नमक डाल लेंगे बनाते हैं ना, सीधा बनाते हैं, मैं बता के रहा हूँ। ऑलराइट गाइस वेलकम टू निश्चय किचन। अब हम क्या करेंगे ये देखिए, ये राजमा जो है ये ओवरनाइट हमने क्या कहते हैं सोक करके बॉइल भी कर लिया है, हाँ जो भी है मतलब सब कर लिया है। अब ये ज्यादा वेस्टेज ना करते हुए सिर्फ थोड़ा सा ही पर डालूंगा, वरना काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ये खाने कोई वाला है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज और अब इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल लेते हैं। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्कॉक्शन बन गया है, नो आइडिया। इसमें आप देख सकते हो राजमा भी है, टमाटर प्याज सब कुछ है, दिस इज निश्चय स्पेशल राजमा। कृपया इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब हम लेंगे यहाँ पे नमक, नमक इसमें डाल देंगे, लाल मिर्च, ये भुना हुआ जीरा, दो चीज रह गई है मेरे को नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता, जिन जिन के नाम पता थे मेरे को मैंने वो सब डाल दिया है। ऑलराइट तो अपने चम्मच को लेके यहाँ पे इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। क्या ब्यूटीफुल से यहाँ से खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। ओके अब यहाँ पर गैस ऑन करते हैं, छोटे बच्चे कृपया अपनी मम्मी की परमिशन के बिना गैस ऑन न करें। यहाँ पर गैस ऑन हो गई, इसके ऊपर हम अपने इस ब्यूटीफुल से मिक्सचर को रखेंगे एंड इसको चम्मच के साथ घुमाते रहेंगे और बस 5 मिनट में हमारे राजमा तैयार हो जाएंगे। एकदम डिफरेंट स्टाइल ऑफ राजमा, आज तक किसी ने नहीं बनाया ऐसे राजमा और ना ही कोई बनाएगा, और ये बनने के बाद खाने लायक होंगे या नहीं हमें क्या पता, पर मैं कोई कुक थोड़ी ना हूँ। मेरे को मम्मी ने बोला कि कुछ बनाना था तो मेरे को जो लगा बन सकता है बना दिया है। ये वैसे राजमा कब बनेंगे, ये बनेंगे प्याज टमाटर बीन्स विच कैन नॉट बी ईटन, सूप बन गया है, ये तो सूप बन गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें राजमा है, प्याज है, टमाटर है, नमक है और लाल मिर्च है। मम्मी यार दो चार चीज़ें और दे दो यार कुछ मिक्स करने के लिए। नमक मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें नमक और डाल देंगे। अभी भी थोड़ा सा नमक कम लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा अभी मेरे को लग रहा है नमक स्टेबल मात्रा में है। टमाटर क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं तो थोड़े से टमाटर और डाल देते हैं। देखिए क्या आवाज़ आई, सुनी वो अमेजिंग। थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल देते हैं ताकि कलर लाल लाल सा अच्छा सा आ जाए। एंड अगर आप लोग प्याज के शौकीन हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास प्याज है। अगर आप शौकीन हैं प्याज के तो प्याज अपने हिसाब से, मेरे को प्याज बहुत पसंद है तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा प्याज डाल दिया है। अभी क्या कहते हो कैसा आएगा ये तू ही खाएगा अच्छा जो ये बना रहे हैं लोग, ये खाना भी है? बिल्कुल, खुद टेस्ट करना है। अरे तो पहले बताते ना, काफी गर्म हो जाएंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर ये कोई नहीं खा सकता, तो मम्मी कह रही है उन्होंने रेटिंग भी देनी है, तो अब तो बस एक ही तरीका बचता है फिर। स्पॉन्सर्ड नहीं है पर स्विगी के संग काम है स्विगी बताते हैं और एक राजमा ऑर्डर कर देते हैं।
चले। ओके तो मम्मी को तो किचन से भेज दिया मैंने एंड गैस भी मैंने बंद कर दिया बिकॉज मुझे भरोसा नहीं है कि जो बनाए ये। दस पंद्रह साल का नमक था एक साथ। तो देखा आपने मेरी फैमिली ने मिलके मेरे लिए क्या क्या बनाया है। प्रेरणा ने बनाए आलू, हर्ष ने बनाया पिज्जा, पतिदेव ने बनाई चपाती, अभिषेक ने बनाया बर्गर, मिस्टर मलन ने बनाए राजमा। सबने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत मेहनत करी और मैं सोच नहीं सकती थी कि इनको भी कुछ बनाना आता होगा, लेकिन सबने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स डाले और बहुत अच्छा खाना बनाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो एक दिन तो कम से कम मैं रेस्ट ले सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।